हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं लोकेश, ओनर ऑफ रुद्र डॉग अब एंड कैनल, देवली टोंक, राजस्थान। और आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो जर्मन शेफर्ड रहते हैं, चाहे लॉन्ग कोट हो, शॉर्ट कोट हो, तो बहुत से ऐसे जर्मन शेफर्ड हैं जिनकी टेल नीचे के पॉइंट से घूमी हुई रहती है, जो एंड पॉइंट जो रहता है टेल का, उससे घूमी हुई रहती है। तो अब वो किस कारण से घूमती है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरे डॉग के साथ भी है ऐसा, तो वो भी कभी कभी राउंड करता है नीचे से टेल को। और बहुत से ऐसे डॉग है तो उनके तो क्या है कि वहाँ एंड में गिठाने हो जाती है, उन गिठानों के कारण फिर वो मतलब हमेशा वो टेल को डॉग वहाँ से राउंड ही रखता है। आपने देखा होगा बहुत से डॉग में, तो उनका मैं आज आपको कारण बताऊंगा और समाधान बताऊंगा कि आपको क्या करना है ताकि आपके जब आप बच्चा लाएं तो आपके डॉग की टेल घूमे ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप पूरे बने रहिएगा ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना इम्पोर्ट सन, इम्पोर्ट का सन है ये, लिंडोवूम रेड हाउस का सन है ये। अब ये देखिए आप, ये जब डॉग घूमता है या किसी को किसी के पीछे भागता है या रनिंग करता है, तो ये ऐसे बहुत सी बार टेल राउंड करता है। अब इसका कारण मतलब डॉग थोड़ा अजीब दिखता है और टेल बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन डॉग बहुत सी बार ऐसे कर लेता है। अब ये बहुत सी बार जब नॉर्मली वो खड़ा रहेगा तो इसको नीचे कर लेगा, बाकी जब अट्रैक्शन में आके घूमेगा तो ये ऐसे ही घूमता है। तो इसका मैं किस कारण से होता है, तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। ऐसा है कि जब हम डॉग को लेके आते हैं तो बहुत सी बार हम क्या करते हैं कि उसको किसी छोटी जगह पे, कमरे में या फिर केज में, किसी छोटे केज में रखते हैं जिस जगह उसकी टेल टच होती हो, जिस डॉग की जो लंबी टेल है, जिनकी थोड़ी लंबी कम है उनमें तो नहीं आती है दिक्कत, लेकिन जिन डॉग की टेल लॉन्ग है तो उनमें दिक्कत आती है। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये नॉर्मल खड़ा है तो इसने टेल नीचे कर ली, ऐसा है। तो उन डॉग में दिक्कत आती है जिन डॉग्स की टेल लंबी है। तो मैं आज आपको इसका समाधान बताऊंगा। आप जब भी डॉग लेके आए तो ख़ास करके जर्मन शेफर्ड, क्योंकि जर्मन शेफर्ड में आती है ये दिक्कत, ख़ास करके जर्मन शेफर्ड, तो आप उसको हमेशा खुले एरिया में रखें, उसको ना तो कहीं बांध के रखें ना किसी केज में रखें, ओपन स्पेस हो तो उसमें रखें ताकि उसकी जो टेल है वो किसी जगह टच ना हो। अगर टेल टच होगी तो फिर वो डॉग डर के मारे उस टेल को उठाने लग जाएगा, तो उठाने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे वो राउंड करने लग जाएगा उसको। पहले तो शुरू शुरू में उठा के चलेगा वो, फिर वो धीरे धीरे टेल राउंड होने लग जाएगी, वो राउंड होती जाएगी रोज़ रोज़, तो फिर वहाँ गिठानी पड़ जाएगी। जब वो गिठाने पड़ जाएगी तो फिर वो परमानेंटली डॉग उसको बिल्कुल ही राउंड ही रखेगा वो। तो कोशिश आप ये करें कि अपने डॉग को खुला रखें, अच्छा स्पेस दें, और अगर आप, मैं तो यही चाहता हूँ, अगर आपके पास स्पेस नहीं है इतना तो प्लीज़ आप जर्मन शेफर्ड ना लेके आएं, क्योंकि जर्मन शेफर्ड को एक तो बहुत जगह चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि लेब्रा के जैसे या कोई छोटी ब्रीड के जैसे कम स्पेस में रह जाते हैं, रहने में तो रह जाएंगे, तो ज़बरदस्ती तो कहीं पे भी रह जाएंगे, लेकिन जो डॉग बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि अच्छा स्पेस दें और डॉग, जिससे कि डॉग घूमता रहे, उसके पैर भी ना मुड़े, और टेल का है तो टेल आप उसको अच्छा स्पेस देंगे तो टेल कहीं पे टच करेगा नहीं,
तो टेल राउंड होगी नहीं। तो कोशिश आप यही करें, और जिससे कि आपके डॉग की थोड़ी खूबसूरती बनी रहे, क्योंकि टेल घूमती है तो थोड़ा डॉग अजीब दिखता है। और फिर अगर आप कहीं आपके पास शो लाइन का डॉग है, इंपोर्ट लाइन का डॉग है, आपने शो के लिए तैयार कर रहे हो, तो फिर तो शो में भी हो सकता है रिजेक्ट कर दे डॉग को, तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि डॉग को अच्छा स्पेस दें, अच्छी रनिंग दें, ताकि वो फ्री माइंड रहे। तो बस यही है, और तो बाकी डॉग को अच्छी डाइट दें, बस आप खुला रखें डॉग को, ताकि वो फिजिकली पूरा फिट रहे। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्योंकि मैंने बहुत से जर्मन शेफर्ड में चीज़ें देखी है, और गलती मेरे से भी ऐसी हुई थी कि मैं भी जब डॉग लेके आया था, तो ये मेरा डॉग आया था जब पिछले टाइम में, पिछले साल में बारिश के टाइम में आया था ये, तो मैंने इसको 5-10 दिन केज में रख दिया। अब ये डॉग काफ़ी लंबा था, और इसकी जो टेल थी वो भी बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो वो उसके केज के नीचे टच होती थी, तो फिर ये उस टेल को उठाने लग गया। अब ये धीरे धीरे ये दिक्कत होने लग गई, लेकिन मैंने इस पर उस टाइम थोड़ा फिर ध्यान दे दिया, तो ये पूरी राउंड कर नहीं पाया इस टेल को, बाकी ये पूरी राउंड कर देता इसको और गिठाने पड़ जाती। तो मेरे से भी गलती हुई है, मैं थोड़ी लापरवाही कर गया उस टाइम। अगर इसको थोड़ी बड़े स्पेस में रख देता तो शायद ये नहीं होता। तो प्लीज़ आप भी कोशिश यही करें कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए आपके, अच्छे से केयर करें। तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ अपने डॉग्स का और स्ट्रीट डॉग्स का ख्याल रखें। थैंक यू।